डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का वेतन क्या है, उपराष्ट्रपति का वेतन क्या है, आरबीआई गवर्नर क्या है, सीएजी का क्या है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे वेतन 2019 में किसको कितना मिलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और ऑलरेडी अगर यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 10 प्लस करंट अफेयर्स पे इंपॉर्टेंट ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे जो भी नया वीडियो डाला जाए उसकी अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, और हम ये चैप्टर क्विज़ की फॉर्म में करेंगे, मतलब एमसीक्यू की फॉर्म में करेंगे, और ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन 5 लाख रुपए यहां पे करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन मिलता है, और भारत के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में है कौन? तो कोविंद, ठीक, रामनाथ कोविंद। इससे पहले फ्रेंड्स ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, बिहार गवर्नर, ठीक है, इतनी बात आपको पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का 5 लाख होता है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का 4 लाख, उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में है कौन? तो ये है वेंकैया नायडू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि एम वेंकैया नायडू जो यहाँ पे आपके उपराष्ट्रपति हैं, तो ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं 13 नंबर के, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और जो राष्ट्रपति हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, राष्ट्रपति हैं ये 14 नंबर के हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट के याद रखने हैं, सारे के नहीं रखने, बस राष्ट्रपति 14 नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति हैं वो 13 नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री का मासिक वेतन कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है आपका, यहाँ पे 1.6 लाख यहाँ पे होता है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन से नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, सांसद का मासिक वेतन कितना होता है? वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को सही देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, 0.5 लाख, मतलब 50,000 रुपये मासिक वेतन रहता है सांसद का, ठीक है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। लोकसभा अध्यक्ष नए बने हैं, कौन बने हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओम बिरला। और इन्होंने क्या किया है, मतलब पार्लियामेंट में बहुत मतलब अच्छा बनाने की कोशिश की है, हर चीज़ को मतलब प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में जो अटेंडेंस है वो भी काफ़ी अब बढ़ रही है, ठीक है। तो लग रहा है कि हाँ अब अपना कंट्री थोड़ा तरक्की की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ओम बिरला यहाँ पे आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इनका वेतन कितना होता है? लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता है 4 लाख रुपए, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये वेतन इस टाइप से है, इन पे इनने ओम बिरला अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ठीक है, और राज्यसभा के कौन हैं? राज्यसभा के हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। तो दोनों लोगों को कितना कितना मिलता है? 4-4 लाख रुपए, इस तरीके से आप दोनों को याद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है। उसके बाद भारत के राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? तो फ्रेंड्स आपने, आपको पता होगा कि चीफ मिनिस्टर के साथ में एक राज्यपाल हर स्टेट में होता है, और ये राज्यपाल का काम होता है कि फ्रेंड्स जो भी स्टेट के बारे में जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो राष्ट्रपति को पहुंचाए, ठीक है, प्रेसिडेंट को पहुंचाए कि स्टेट में ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है।
तो वेतन कितना होता है भारत के राज्यपाल का, मतलब गवर्नर का? तो ये फ्रेंड्स होता है 3.5 लाख। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स ये होता है 2.8 लाख रुपए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ये वीडियो फ्रेंड्स आप 2 से 3 बार देखेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही क्विज सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा। फ्रेंड्स भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में आपके चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन थे, तो थे एच जे कानिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे बहुत और इम्पॉर्टेंट थी कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है इसमें 31 जज होते हैं, तो मतलब 30 प्लस 1, एक चीफ जस्टिस होता है, बाकी के मतलब जस्टिस होते हैं, तो उनका उनका वेतन कितना होता है जो बाकी के हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका 2.8 था, तो ये नॉर्मल जो बाकी के जस्टिस हैं इनका क्या है? 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। बाकी के न्यायाधीशों का मासिक वेतन है 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? अब फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हाई कोर्ट, सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है कि मतलब आप तहसील कोर्ट या सिविल कोर्ट में आप कोई अपील करते हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट, और फिर क्या होता है आप वहाँ पे सुनवाई नहीं होती तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में करते हैं, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये प्रोसीजर रहता है। तो हाई कोर्ट यहाँ, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि हाई कोर्ट कितने हैं? तो हाई कोर्ट 25 हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स जो सबसे पुराने हाई कोर्ट हैं ये क्या हैं? मद्रास हाई कोर्ट और आपका बॉम्बे, और उसके बाद में कलकत्ता और इलाहाबाद। ये फ्रेंड्स अंग्रेज़ों के टाइम में लगभग 1866, शायद 1866 में बने थे, तो उन्होंने अपने मतलब अकॉर्डिंग इन इन जगह पे हाई कोर्ट बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? तो फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन जितना है जितना सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों का है, मतलब 2.5, ये मुख्य न्यायाधीश का है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मतलब 25 हाई कोर्ट हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि हाई कोर्टों की संख्या कितनी है हमारे देश में, ठीक है, तो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के हाई कोर्ट के न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना होता है? तो जब मुख्य न्यायाधीश थे उनका वेतन कितना था? 2.5 लाख रुपये था, तो उससे कम ही होगा, कितना होगा? 2.25 लाख रुपये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बस इसके बाद है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का, आरबीआई गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स। आरबीआई गवर्नर का मासिक वेतन होता है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर अभी हैं कौन? तो ये हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास हैं, तो 2.5 लाख रुपए इनका मासिक वेतन है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? तो डिप्टी गवर्नर का फ्रेंड्स कम होगा, तो कितना होगा यहाँ पे? 2.25 कर लीजिए, तो डिप्टी गवर्नर का होता है 2.25 लाख, 2.25, ठीक है, तो यहाँ पे 2.25 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का मासिक वेतन कितना होता है? ठीक है, तो CAG का मासिक वेतन भी फ्रेंड्स होता है 2.5 लाख रुपए, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में CAG है कौन? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजीव महर्षि हैं वो, जो वो प्रेजेंट टाइम के
सीएजी हैं, ये आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2.5 लाख मासिक वेतन बहुत ही ज़्यादा लोगों का है, तो मैंने क्या किया, एक टेबल की फॉर्म में बना रखा है। तो यहाँ पे कुछ नए भी हैं तो उन्हें भी देख लो, जैसे केंद्रीय सचिव हैं इनका भी होता है 2.5 लाख रुपये, कैबिनेट सचिव का भी होता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और चीफ स्टाफ। चीफ स्टाफ में जैसे कि आपके नेवी के और आर्मी के और आपके यहाँ पे एयरफोर्स, ठीक, इनके चीफ स्टाफ हैं। और इन तीनों के चीफ स्टाफ को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, कौन कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बाकी का मैं बताता हूँ, कैबिनेट सचिव और केंद्रीय सचिव, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो फ्रेंड्स मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है इस बार, इन सबका 2.5 लाख होता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछ सकते हैं, सुनील अरोरा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, सुनील अरोरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और इसके बाद में संघ लोक सेवा के अध्यक्ष यूपीएससी के, तो यूपीएससी तो इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, ये हैं अरविंद सक्सेना, अरविंद सक्सेना, ठीक है, दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। बाकी का नेवी आर्मी एयरफोर्स को के हेड कौन है कमेंट सेक्शन में बताना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे सीएजी ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है, राजीव महर्षि, और आरबीआई गवर्नर, और हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब बाकी के जज होते हैं, इन सब का क्या होता है, 2.5 लाख वेतन होता है। तो फ्रेंड्स अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जा रहा है, आपको आइडिया नहीं लग रहा है, तो देखो स्टार्टिंग के तो आपको पता ही होने चाहिए कि प्रेसिडेंट का इतना होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इतना होता है, प्राइम मिनिस्टर, मेन मेन का तो पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आ जाता है और नहीं, अगर तो आपको आइडिया लग रहा है क्या है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, 2.5 को टिक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे, आपका लक अच्छा होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बाकी का मिलते हैं अगले वीडियो में, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।